भगवते वासुदेवाय आप भगवान श्री राम के इस जन्मोत्सव में भाग ले रहे हैं, इसके लिए आपको भरी भरी धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद देता हूं और मंगल कामना करता हूं ब्रजहरि प्रभु के प्रति, जिन्होंने आयोजन किया और उनके इस आयोजन को पूरे जिम्मेवारी के साथ सफल बनाने में लगे हैं जगजीवन प्रभु जी, उनको भी वैसा ही धन्यवाद देते हैं। हम लोग भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव में कीर्तन कथा भी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। नजत्र यज्ञ मखा महोत्सव है, तो ये मख महोत्सव है, इसमें आप आए हैं तो ऐसी भावना हो रही है कि आप महाराज दशरथ के भवन में श्री राम की लीलाएं सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा मैं एक साइन बोर्ड देखा, ये राम कथा मार्ग, श्री राम मार्ग हो ही गया। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान शिव श्री राम की कथा कह रहे हैं, तो वे कहते हैं यह सब रुचि चरितमय भाषा अब जो सुनो जो बीच ही राखा। ये जो पहली बातें कही गई, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं यहां तक ये कथा कहा, बीच में जो छोड़ दिया था उसको सुनो। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्यापुरी के सम्राट और रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ एक राजा हुए, जिनके विषय में वेद भी गुणगान करता है, वेद विदित। महाराज दशरथ का नाम वेदों में कई बार आया हुआ है। एक अयोध्या के रामायणी थे, श्री राम कुमार दास जी रामायणी, उन्होंने एक पुस्तक छापा था वेदों में श्री राम कथा और वेदों में श्री कृष्ण कथा। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि वेदों में राम की कोई चर्चा नहीं है, कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है, जबकि स्वयं भगवान कहते हैं कि सारे वेद हमारा ही प्रतिपादन करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से महाराज दशरथ के गुण और नाम को प्रकट किया, वेदों में लिखा गया वेद विदित तेहि दशरथ नाम। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ, इसलिए पहले माता पिता से ही चालू कर रहे हैं। नाम था दशरथ, बहुत प्रसिद्ध राजा रघुवंश ने। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर, महाराज दशरथ धर्म के धुर्ज को धारण करने वाले थे, धारण करने वाले, केवल धर्म के पालक ही नहीं थे, अन्य लोग भी धर्म का पालन कर सके इसके वे मार्गदर्शक थे, प्रवर्तक थे। और हृदय भगति मति सारंग पाणी, सारंग पाणी भगवान ने श्री राम में श्री विष्णु में उनका चित्र लगा हुआ है। सारंग धनुष जो अपने पानी में हाथ में धारण करते हैं उनको सारंग पाणी कहते हैं, सारंग पाणी। हृदय में लबालब भक्ति भरी थी और उनकी मति पूर्णतः लगी थी कृष्ण में, सारंग पाणी में। उनकी पत्नियों का नाम रखते हैं कौशल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत।
कौशल्या आदि नारी महाराज दशरथ की तीन रानियां थी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कौशल्या जी थी। इनका आचरण परम पुनीत था, पवित्र था और सदा पति के अनुकूल रहती थी। रानियां परम पतिव्रता थी और भगवान हरि के पद कमल में इनका दृढ़ प्रेम। किसी भी स्त्री के लिए ये दो गुण बहुत अच्छा है, अपने पति से प्रेम और भगवान के चरण कमल की भक्ति, दृढ़ नियम पालक, ये शोभा है। इसे सिद्ध होता है कि नारियों का भगवान की भक्ति में वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुषों का है। महाराज दशरथ के गुण का वर्णन करते हैं कि भगवान सार्व प्राणी के चरण कमल में उनकी भक्ति थी, तो कौशल्या आदि रानियों का ही वर्णन किया जा रहा है कि दृढ़ हरि पद कमल अभिनी, भगवान ने श्री विष्णु के चरण कमलों में इनकी बहुत प्रीति थी और विनीत थी, बहुत नम्र स्वभाव थी। राजा दशरथ इस तरह से रह रहे थे, लेकिन जीवन का बहुत समय बीत गया जबकि उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज दशरथ को एक बार बहुत चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई, मुझे मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे तीन रानियां हैं पर एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो गुरु गृह गय तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। पुत्र नहीं हुए तो स्वाभाविक ही कोई व्यक्ति संकट में गुरु की शरण लेता है। तो गुरु गृह गय तुरंत महीपाल, महीपाल मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के पालक राजा दशरथ गुरु के घर गए। ये नियम है, स्वयं जाना चाहिए गुरु के पास, यह नहीं कि फोन से बात कर लिया हो गया, ये नियम नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, लेकिन वशिष्ठ जी के घर स्वयं गए। कई नीतियां सिखाई जाती हैं कथा के माध्यम से। राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए। आजकल किसी को स्वयं बुला ले, आप आ जाइए जरा जरूरी काम में, सर्जेंट काम। गुरु के पास स्वयं जाना चाहिए या माता पिता के पास स्वयं जाना चाहिए, ये धर्म है। गुरु गृह गय तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, और चरण में गिर गए और बहुत ही सुंदर प्रयोजन प्रस्तुत किया। विशाल है, विनय का मतलब है कि बहुत ढंग से विनय करके नम्रता से अपनी बात को कहे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाय। अपना दुख और अपना सुख राजा दशरथ ने सुनाया। सुख ये सुनाया कि हमारी पत्नियां बहुत अनुकूल हैं और राज्य में ठीक से सभी जनता सुखी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, सुख ये था। लेकिन दुख पहले सुनाए, दुख सुनाए कि हमें कोई पुत्र नहीं है। पुत्र वास्तव में बहुत बड़ा लाभ है किसी के लिए। तो राजा दशरथ है ये सुनाए कि हमें पुत्र नहीं है, दुख है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाए, समझा कर कहा आप चिंता मत कीजिए, आपको पुत्र होंगे। संक्षेप में कहते हैं, धरहु धीर होई हाही सोतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आप धीरज रखिए, आपको चार पुत्र होंगे और वे चारों भगवान होंगे। न भगवान ही चार रूप में प्रकट होंगे आपके घर में,
भगत भयहारी, अपने भक्तों का भय दूर करने वाले भगवान आपके पुत्र बनेंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्ठी यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बोला रहा पुत्र काम से यज्ञ करावा। भगत की सहित मुनि आहुति दी है, मुनि परम वैष्णव थे, वे भक्ति के साथ अग्नि में आहुति दिए, हवन किए, तो साक्षात अग्नि देव ही कटोरी में चरु लेकर के खीर लेकर के प्रकट हुए, अग्नि देवता स्वयं। और वशिष्ठ जी को कहे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भाषी भू तुम्हारा। वशिष्ठ तुमने जो भी कार्य सोचा है महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए वो सारा कार्य सिद्ध हो गया। और राजा से महाराज दशरथ जी से अग्निदेव ने कहा, यह हवि बाट देह मृत जाई, हे राजन आप अपने तीनों पत्नियों को यह चरु बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कैसे किसको कितना अंश दूंगा, जथा जोग जो ही भाग बनाए, सबको समान बांटने के लिए नहीं कहा, जथा जोग जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार इसका डिवीजन कर लीजिएगा, भाग बना लीजिएगा, वैसा दे दीजिएगा। और ऐसा कहकर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाए, परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाय। अग्निदेव अदृश्य हो गए कह करके सबको समझाकर राजा दशरथ परमानंद मगन, परम आनंद में मग्न हो गए। इतना हर्ष हो रहा था कि हृदय में आंट नहीं रहा था, हृदय में आंट नहीं रहा था। हर्ष इसका मतलब है उनके आंखों में, उनके वाणी में, उनके चाल चलन में जो आनंद ही आनंद लक्षित हो रहा था। जैसे कोई कोई अभिमानी होता है, घमंडी होता है, तो उसका घमंड हृदय में आंटता नहीं है, उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, उसका देखना बोलना गर्व से सब कुछ। हमारे दशरथ का आनंद हृदय में आंट नहीं रहा था, अर्थात बहुत अधिक उच्छलन हो रहा था आनंद का। इसके बाद उन्होंने अपने राजभवन में अपनी तीनों प्रियाओं को बुलाया। तब ही राये प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहां चली आई। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया तो कौशल्या प्रधान सभी रानियां आ गई, मतलब कैकेयी और सुमित्रा जी भी आ गई, तीनों आई। किस तरह से राजा दशरथ उनको खीर बांट रहे, चारू बांट रहे हैं अग्निदेव का दिया हुआ। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, खीर का आधा भाग 50% कौशल्या जी को दिया। उभय भाग आधे कर कीना, और जो आधा बचा था उसका दो भाग किए 25% ऐसे। कैकेयी कहन पसोदय, कैकेयी को एक भाग दिए, और फिर जो बचा था 25% वह और उभय भाग कुनि भय, तो उसको फिर दो भाग में बांटे 12.5%, 12.5% ऐसे बांटे और अद्भुत ढंग से उस खीर को दिए। तो आधा कौशल्या जी को दिए और आधे में आधा कैकेयी जी को दिए। और इसके बाद राजा दशरथ कौशल्या और कैकेयी दोनों का हाथ पकड़कर जो दो भाग किए थे 12.5% 12.5%, उन दोनों भाग को सुमित्रा जी को दिए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन
सुमित्र ही मन प्रसन्न। तो कौशल्य और कैकेयी का हाथ पकड़ करके क्यों उसको दिए सुमित्रा को, जो भी कारण रहा होगा तीनों रानियों को मेल करा रहे हैं कि देखो इस तरह से हमें बांटा है, कोई छिपा करके नहीं बांटा कि उनका आधा दे दे और उसको कम दे, दोनों के सामने दोनों का हाथ पकड़ करके दिखा करके कहा कि ये चौथाई भाग में दे रहा हूं सुमित्रा। तब भगवान शिव कहते हैं यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखधारी। इस प्रकार जब गर्भ हुआ तो तीनों रानियां बहुत ही हर्षित हुई। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी स्त्री के लिए उसे अपने पति से संतान प्राप्त हो, ये बहुत सौभाग्य है। तो आज के युग में पता नहीं क्यों लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि अपने ही गर्भ को मार देते हैं या नहीं चाहते हैं गर्भ, ये सब राक्षस का काम है। इस तरह से निर्दय हम तो वे गर्भवती हुई यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखभारी। भगवान जब गर्भ में आए तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई, अपने आप दुनिया में दुख था वो तो भगवान के गर्भ में आते ही दुख समाप्त हो गया, सब जगह सुख छा गया। जा दिन ते हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये भगवान का प्रभाव। वैसे तो परमात्मा रूप से सब जगह है ही, लेकिन वास्तव में अपने स्वाभाविक स्वरूप में भगवान श्री राम जब गर्भ में आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सब जगह धन भर गया सभी लोकों में और सुख छा गया सब। इस जगत में भगवान का आना सबके मंगल के लिए होता है। अभी प्रकट नहीं है, केवल गर्भ में आए तभी सारी दुनिया में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर महा सबराज रानी शोभा शील तेज की खानी और अंतःपुर में भवन में रानियां बहुत सुंदर लग रही थी, उनका तेज बढ़ गया था, उनकी शोभा और उनका शील स्वभाव बहुत अच्छा था। इस प्रकार परम सुख से कुछ दिन बीता तब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। तो बारी बारी से जन्म होगा, श्रीराम में बड़े हैं उनके प्रकट होने का समय आ गया। जो गलगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरल अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि ये सब अनुकूल हो गए, भगवान के जन्म के समय सब अनुकूल हो गए, अपने को धन्य करने के लिए अनुकूल हो गए। ऐसा नहीं कि इनके अनुकूल होने से जन्म हुआ राम का इसलिए राम बहुत अच्छे हुए, उनके जन्म के समय अपने को धन्य करने के लिए सब अनुकूल हो गए, चर और अचर सभी प्राणी संसार में सुखी हो गए। किस दिन जन्म हुआ था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते चैत्र को, चैत्र और बैसाख के महीने में बहुत मधु होता है और पुष्प खिलते हैं, बसंत ऋतु माना गया है चैत्र और वैशाख। और शुक्ल पक्ष तथा अभिजित मुहूर्त नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति
श्री तन घामा पावन काल लोक विश्रामा। नौवीं तिथि थी चैत्र का शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष नौवीं तिथि मधुमास, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष, तिथि नौवीं और मुहूर्त अभिजीत। प्राय भगवान अभिजीत मुहूर्त में ही प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण भी अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए। हरि प्रीता, हरि प्रीता का अर्थ इस मुहूर्त में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी अपनी इच्छा से वो प्रकट हो सकते हैं, दूसरे जीव अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं। कभी कभी किसी किसी बच्चे के विषय में डॉक्टर भविष्यवाणी करते हैं कि कल उसका जन्म हो जाएगा, लेकिन दो तीन दिन के बाद होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, या वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसी मिनट में जन्म होगा बच्चे का, कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। लेकिन श्री भगवान ने पहले से ही अभिजीत मुहूर्त को ठीक किया था, उसी में हम जन्म लेंगे, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीतन धाम, मध्य दिवस में भगवान का जन्म है, दोपहर को ठीक भगवान कृष्ण से उल्टा है जन्म के विषय में। वो काली रात में जन्म लिए। भगवान एक बार पूछने लगे माता यशोदा से कि राधा क्यों गोरी, माए क्यों काला, ऐसे गाते हैं तो स्वाभाविक है पूछते होंगे जरूर कि राधा इतनी गोरी है और माए काला हो गया क्यों। तो माँ यशोदा कहती है कि और लोग कहते हैं कि तुम काली रात में जन्म लिए थे इसलिए काला हो गए। और कुछ सखियां कहती हैं कि हे प्रियतम, आप हमारी कजरारी आंखों में रात दिन बसे रहते हैं इसीलिए काला हो गए। तो भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में जन्म लिए, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण पक्ष में ही जन्म लिए। भादो का महीना अष्टमी तिथि, और भगवान श्री राम चैत्र का महीना नवमी तिथि ठीक दोपहर को मध्य दिवस अति शीत न घामा। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे मध्य दिवस में घाम नहीं होता है, शीत तो मान लेते हैं नहीं है, मध्य दिवस अति शीत न घाम, अति शीत और अति घाम नहीं था। ऐसे जनरली दोपहर को बहुत घाम रहता है, धूप रहती है, लेकिन भगवान के जन्म के समय एक स्पेशल काल हुआ कि उसमें धूप नहीं, धूप नहीं, समशीतोष्ण। मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्राम, बहुत पवित्र काल था और सबको उसे बहुत आराम मिल रहा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर शीत सुर संतन मन चाऊ। और हवा अपने तीन गुणों से युक्त होकर बह रही है, तीन गुण है मंद, सुगंध और शीतल। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, सुरभि मंद सुगंध, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। हर्षित सुर संतन मन चाहे, देवताओं का मन प्रसन्न हो गया और संतों के मन में बहुत उमंग हुआ, उनका मन प्रसन्न हो गया। इसके द्वारा भेद समझ लेना चाहिए, जितने राक्षस थे असुर से असुर थे सबका मन व्याकुल हो गया, लगा कौन विपत्ति आने वाली है, वो सब चिंतित हो गया। जो असुर थे राक्षस थे वे सब बड़े दुख में पड़ गए अपने आप, उनको पता नहीं चल रहा था दुख का क्या कारण है, लेकिन ये दुखी हो गए। और सूर्य और संत देवता और साधु ये सब खुश सुखी हो गए, और वन सब कुशीत हो गए, खिल गए, जितने भी पेड़ पौधे थे सब खिल गए, उनमें पुष्प आ गया, गिरिगन मणि आ गया और पर्वतों में मणियां अपने आप बाहर आ गई। श्रम ही सकल सरितामृत धारा,
और सकल सरिता सारी नदियां अमृत धारा श्रवण, उनका जल ऐसा पवित्र हो गया, ऐसा शुद्ध सुंदर लगता था, अमृत बह रहा है नदियों में। ये भगवान के जन्म के देने के कारण सब हो रहा है, गर्भ में आए तभी सब हो गया। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसके आने से बंबई की ये सब वैतरणी शुद्ध हो जाए? नदियां बह रही हैं गंदे जल की, कोई मिनिस्टर आवे, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आवे, उसके आने से क्या होता है? कोई एक भी नाली शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान के आने से प्रकृति चूंकि उनकी दासी है, उनके आने से स्वागत में सब सज धज कर तैयार हो गई, पृथ्वी मंगलमय हो गई, नदियां पवित्र जल से भर गई, अमृत धारा, अमृत धारा मतलब ऐसा सुंदर स्वादिष्ट जल था जो लगता था ये अमृत है, हवा सुगंधित बह रहे थे, वन में कुसुम खिल गए, पर्वत अपने आप ही मणियां उगल देते थे। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुरसाज विमान। भगवान के जन्म के समय को जान गए ब्रह्मा जी, तो वे समस्त देवताओं के साथ विमान सजा करके और विमानों पर स्वर्ग लोक के फूल भर भर करके चले अयोध्या के आकाश के ऊपर। देवता लोग सब आ रहे, गगन विमल संकुल सूरजो था, गा वही गुण गंधर्व वरू था। गगन विमल संकुल सूरज, विमल आकाश, भगवान के जन्म के कारण आकाश निर्मल हो गया और उसमें विमान खचाखच भर गए। देवताओं के विमान को लैंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, और इधर तो किसी की क्षमता नहीं कि विमान को आकाश में रोक ले, सारे विमान रुक गए। और कई विमान पर केवल फूल भर करके आए थे, केवल पुष्प, और भगवान के जन्म के समय वर्षा होने लगी फूलों की। गगन विमल संकुल सरजू था, गाव ही गुण गंधर्व बरू था। और गाने वालों में सबसे श्रेष्ठ गंधर्व हैं, उन गंधर्वों में भी जो सबसे श्रेष्ठ गंधर्व थे वे सब भगवान की कीर्ति गाने लगे आकाश में। गाव ही गुण गंधर्व बरू था, और देवता कई ऐसे थे जो विमानों पर चढ़े थे और ब्रह्मा जी का संकेत पाते ही फूलों की वर्षा करने लगे। बरसा ही सुमन सुअंजलि गह गही गगन दुंद भीवाजी। देवता अंजलि साजी, अंजलि में भर भर कर फूलों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ के भवन के ऊपर जो सूतिका गृह था वहां विशेष वर्षा हो रही थी, फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे थे। वर्षा ही सुमन सुमंजुलि साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। आकाश में देवताओं के द्वारा बजाई हुई दुंदुभिया अपने आप बजने लगी, और कई दुंदुभिया बज रही थी। गह गह अस्तुति करही नाग मुनि देवा, नाग लोक से आए हुए लोग ये देवता माने गए हैं, और मुनि और देवता ये सब स्तुति करने लगे। बहुविध ला वही निजनी सेवा, और अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत करने लगे, भगवान के लिए देने लायक वस्तु में देने लगे, जैसे हार, रत्नों के अलंकार, और स्वर्ग लोक से लाए हुए फल सब भगवान को समर्पित करने लगे, देने लगे। तो कहां दे रहे हैं? अयोध्या में राजा दशरथ के कोष में भर दिए और सब जगह रख दिए अलक्षित रूप से। इस प्रकार देवता विनय करके स्तुति करके अपने अपने घर गए, चले गए। भगवान की इच्छा थी कि देवता लोग चले जाए, जिससे कि मनुष्य, अयोध्या के रहने वाले मनुष्य ठीक से निधड़क उत्सव कर सके। तो देवता लोग सब चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग जब चले गए तो सारे जगत को सुख देने वाले जगन निवास श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए।
जन्म लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर सीतमकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज लायक भुज चारी भूषण बन वाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो श्री भगवान श्री कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, देखिए भगवान प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य उगते हैं वैसे भगवान उगे हैं। जन्म वास्तव में उनका नहीं हुआ है, यदि जन्म माना भी जाए तो दिव्य जन्म है। जन्म कर्म चिन्ह दिव्य। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर अनुग्रह करने वाले कृपालु भगवान प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले, अर्थात उसे पुत्र का सुख देने वाले, वात्सल्य रस का सुख देने वाले भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी, माँ बिल्कुल हर्षित है। इस संसार में कोई बच्चा जब जन्म लेता है माँ से तो माँ हर्षित नहीं होती है, उस समय उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया जो बहुत दुख होता है। और वह बच्चे को जन्म देने में बेहोश हो जाती है, कोई दूसरी स्त्री उस बच्चे को उठाती है और उसका देह पोषती है, सहलाती है, लेकिन जन्म देने वाली माँ पीड़ित रहती है कुछ देर के लिए। पर भगवान के जन्म लेने पर हर्षित महतारी, माँ कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं है, अभी भगवान गर्भ से प्रकट हुए हैं। हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी निहारी, बहुत प्रसन्न थी और मुनियों के मन को भी हरने वाली छवि देखा माँ जशोदा ने। बच्चा इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि और लोग तो लुप्त हो ही जाएंगे। जो मुनियों का मन है वो अनासक्त होता है, किसी चीज में आसक्त नहीं होता है, पर भगवान का रूप ऐसा सुंदर है कि मुनियों के मन को भी हरने वाला है। और अद्भुत, क्या क्या अद्भुत है, लोचन अभिरामा, आंखों के लिए भगवान श्री राम का वह जन्म बचपन का रूप बहुत ही सुंदर। तनु घन श्यामा, और जब भगवान प्रकट हुए तो बिल्कुल शिशु के रूप में प्रकट नहीं हुए, चतुर्भुज रूप से अपने रूप में विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए और सब आयुध वस्त्र आभूषण धारण किए हुए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, शरीर सांवले बादल के समान था, घन श्याम। निज आयुध भुजचारी, अपने चारों भुजाओं में निज आयुध, अपने आयुध धारण किए थे, शंख चक्र गदा और पद्म, ये भगवान का निज आयुध है, अपना हथियार, चूंकि आए हैं असुरों का वध करने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए नहीं आए हैं, तो अपने चारों आयुध को चारों भुजाओं में धारण किए, चार आयुध धारण किए हैं, तो इसके द्वारा सिद्ध होता है कमल धारण नहीं किए हैं। भगवान श्रीराम का भक्तों को सुख देना एक कार्य था, लेकिन मुख्य कार्य था राक्षसों का वध करना, इसलिए चार आयुध लेकर के आए थे। एक हाथ में उसमें पद्म धारण करते थे, उसमें धनुष लेकर के आए या तलवार लेकर के आए, जो भी लेकर के आयुध मारने के लिए। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, और भूषण धारण किए हैं शरीर के सभी अंगों में, अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हैं और कलाई में बाजूबंद, यहां पर अंगद, और कंठ में हार मणि, कमर में करधनी, पैर की अंगुलियों में भी अंगूठी है, नुपुर है,
इस तरह सब आभूषण धारण किए हैं, भूषण वनमाला और वनमाला लगाए। बताइए, गर्भ से लड़का जन्म लिया है और वनमाला खिला हुआ फ्रेश बिल्कुल चिन्मय, भूषण वनमाला, नयन विशाला और नेत्र बड़े विशाल और सुंदर है, उसमें गर्भ का कोई जल नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ जन्म लिए बच्चे की तरह मरे हुए पिलुआ जैसे दिखाई दे, ऐसा नहीं, भगवान का नेत्र खिला हुआ है, आभूषण लगाए हैं, वनमाला लगाए हैं, शोभा सिंधु करारी, और खर के शत्रु भगवान श्री राम, शोभा के समुद्र। तो भगवान को देखकर माता कौशल्या कहने लगी, कह दुई कर जोरी आस्तुतितोरी के ही विधि कर अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। कह दुई कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर माँ यशोदा कहने लगी, माँ कौशल्या कहने लगी, स्तुति तोरी कहीं भी करो अनंत, हे अनंत प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं, आपकी बड़ाई करूं, माया गुण ज्ञान तीत माना, आप माया के गुणों से परे हैं, आप चिन्मय हैं और भौतिक ज्ञान से आप परे हैं, आपकी कोई माप नहीं है, अपरक्षीण है, वेद पुराण भनंता, आपके विषय में वेद और पुराण ये बात कहा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, करुणा सुख सागर, आप कृपा और सुख के समुद्र हैं, कृपा और सुख के समुद्र हैं, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, आप समस्त गुणों के आकर हैं, खजाना हैं, जहिका वही श्रुति संता, आपका गान करते हैं वेद और संत, श्रुति और संत आपका, आपकी महिमा गाते हैं, सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकांता, आप लक्ष्मी कांत हैं और मेरे सुख के लिए, मेरे हित के लिए आप हमारे गर्व से प्रकट हुए हैं, आप जन अनुरागी अपने भक्तों से बहुत अनुराग करते, अपने भक्तों के वश में रहते हैं। फिर माता कौशल्या एक और विशेष बात कहती है कि आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन जब मैं इस बात को कहूंगी कि भगवान हमारे कोख से जन्म लिए हैं, तो हमको लोग निश्चित ही दोष दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे कि झूठ बोल रही है, ये कैसे संभव हो सकता है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कह, वेद कहता है कि भगवान के रोम रोम में, एक एक रोम कूप में ब्रह्मांड समूह समाया हुआ है, निकाय माने समूह, अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के गड्ढे में, रोम कूप में, और इस बात को कहता है कौन, वेद कहता है, वेद कहता है कि भगवान विष्णु के एक एक रोम कूप में ब्रह्मांड समूह भरे पड़े जो माया से निर्मित है, माया के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड समूह भगवान के एक एक रोम कूप में रहता। अभी देखा हम लोग के शरीर में जहां रोमा है तो वहां एक छोटा सा गड्ढा जैसा दिखता है, उसको रोम कूप कहते हैं, रोम कुआं। तो उसमें एक एक में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ऐसा प्रभु जिसके रोम कूप में बहुत से ब्रह्मांड हैं, सो ममौरवासी, वह भगवान मेरे पेट में अट गए,
यह उपहास है। यह अगर बात मैं कहूंगी तो केवल उपहास की बात होगी, सब लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या पगली बात कर रही है। भगवान इसके घर में आ सकते हैं? कभी संभव है? अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक रोम कूप में है, तो सारे रोम कूप में कितने ब्रह्मांड होंगे? ऐसे प्रभु कैसे किसी के घर में अट सकते हैं? तो दुनिया में उपहास की बात होगी अगर मैं कहूंगी तो लोग हंसेंगे कि कौशल्या झूठ बोलना सीख गई, झूठ बोल रही है। अपनी पूजा कराने के लिए कहती है कि मैं भगवान की माँ हूं, भगवान हमारे उदर में आए। जब मैं कहूंगी तो कोई नहीं मानेगा। मम उर्सो वासी यह उपहास सुने तो धीर मती ठेर न रहे। यहां तक कि धीर मती वाले मुनिजन बड़े बड़े भक्त भी विश्वास नहीं करेंगे मुझ पर, उनकी मति नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, संभव नहीं है कि भगवान हृदय में आ सके, पेट में आ सके, लेकिन तो आए हैं, हम जन्म दिए हैं, गर्व से सामने की बात है। तो इस प्रकार से जब भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ माता कौशल्या को, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि की नचाए, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुख प्रेम रहे। तो भगवान मुस्कुराने लगे, सोचे कि माँ हमको भगवान समझने लगी तो हमसे प्रेम नहीं करेगी, इसलिए तुरंत ही ऐसी बात कहने लगे माँ कह करके, विष्णु रूप में है और माँ कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कहे जिससे कि पुत्र का प्रेम उमड़ पड़े। माँ जैसे माँ कौशल्या के रूप में पुत्र का प्रेम उमड़ पड़े, और क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य चरित करना चाहते थे, इसको भी गाले, जब सब गए थे इसको भी गाले। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न लहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, चरित बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम रहे। तो भगवान श्री राम अपने माँ से ऐसी बातें कहने लगे, पूर्व जन्म की कथा और सब, जिसे कि कौशल्या के हृदय में पुत्र प्रेम उत्पन्न हो। जब पुत्र प्रेम उत्पन्न हो गया, वात्सल्य भाव भगवान के प्रति हो गया, तब माता बोली, उसी अमति डोल गई थी, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु कात यह रूपा की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला यह सुख कर्म अनुरूपा। तो माता की मति डोल गई भगवान के बात से, वो भगवान न समझकर पुत्र समझने लगी, वात्सल्य उमड़ गया। तब माँ कौशल्या कहती है, तात तजहु तात यह रूपा, ये रूप छोड़ दो, बेटा कहकर के कह दो, बेटा ये रूप छिपा लो, ये विष्णु स्वरूप चक्र आदि बच्चा बन जाओ साधारण, की जय शिशु लीला, तुम शिशु लीला करो, अति प्रिय शीला यह सुख पर मानो। भगवान को भगवान मान करके उनकी पूजा करने से, भजन करने से जो सुख मिलता है, उसे कोटि गुना सुख मिलता है भगवान को अपना पुत्र मानकर उनसे प्यार करने पर, उनसे स्नेह करने पर। यह सुख परम सुनी बचन सुजाना, रोदन थाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, माँ कौशल्या की बात सुनकर भगवान होई बालक सुर भूपा,
एक बच्चा बन करके देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु एक बच्चा बन करके रोने लगे, जैसे बच्चे जन्म लेने पर रोते हैं वैसे रोने लगे। अब माँ यशोदा चुप करा रही है, कौशल्या जी चुप करा रही है, तो वो चुप नहीं हो रहे थे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, ठाने में तो रोने लगे, अब चुप कराने पर दूध पिलाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे, जो ठाना कर रोना ठान लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या करने लगे, बच्चा की लीला करने लगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव कह रहे हैं कि यह चरित्र जो गा वही हरि पद पावही तेन परम भव गोपाल, भगवान की इस जन्म लीला को जो गाते हैं सुनते हैं वो भगवान विष्णु का धाम पाते हैं, वैकुंठ प्राप्त करते हैं, मैं इस भाव कीट में नहीं गया। यह है लीला कहने का सुनने का फल, भगवान की इस जन्म लीला कितनी सी छोटी सी लीला कह रहे हैं, पर इस लीला को जन्म की लीला को कोई भी व्यक्ति सुनता है कहता है तो हरि पद पावे भगवान का धाम प्राप्त करता है और फिर इस जगत में जन्म मृत्यु में नहीं रहता है, भवकूप में नहीं पड़ता है। गाने की ही प्रधानता है, यह चरित गावही हरि पद पावही तेन परही भवकूप, इतना जप्न करके तपस्या भी करके भवसागर से पार कोई हो सकता है, और सिंपली बैठ करके और गाकर सुन करके हम लोग भगवान का धाम पा सकते हैं, यह भगवान के लीला की महिमा। जन्म कर्म चमे दिव्यं एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽस्तु, मामेति मेरे पास आ जाता है, पुनर्जन्म नैति नहीं जाता है, तो भवकूप में नहीं पड़ता है, भगवान के धाम में चला जाता है। यह सब लीला श्रवण का फल, इसीलिए वैष्णवों का यही मुख्य काम होता है, भगवान के भक्तों का यही काम, गावहि सुनहि सदा मम लीला, वे सदा भगवान की लीलाओं को गाते हैं सुनते हैं, यही जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है, यही साधना है, यही साध्य है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, वास्तव में भगवान की लीलाओं को गाना और सुनना। यह चरित गावही हरि पद पावही तेन परही भवकूपा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्यत तनु माया गुण गोपाल। विप्रो गायों देवताओं और संतों के हित के लिए भगवान यह मनुष्य अवतार ग्रहण किए हैं और अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किए हैं, जो माया के गुणों से और इंद्रियों से परे है, माया के तीनों गुण सत्व गुण रजोगुण तमोगुण और गो इंद्रियों से पार इंद्रियातीत। बहुत सुंदर शब्द हैं, संस्कृत में पढ़ने पर थोड़ा क्लिष्ट लगता है समझने में, क्योंकि माया के गुण और इंद्रियों से पार पश्चिम माया दिव्य जन्म कर्म चम्य दिव्य। तो जब भगवान रोने लगे तो ये सुन करके अब आसपास की स्त्री आती है, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय संभ्रम चलियाई सब रानी। शिशु के रुदन की बात सुन करके सभी रानियां अत्यंत खुशी के साथ और बड़े वेग से दौड़ करके आई। बच्चा रोता है जन्म के समय, स्वाभाविक है, कोई कोई विलक्षण लोकोत्तर महापुरुष नहीं रोए हैं जन्म के समय, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे रोए नहीं, उल्टे हरी हरी बोल करके जन्म लिए, जन्म लिए तो भगवान का नाम बोलते हुए इस तरह से जन्म लिए, और स्वयं तुलसीदास जी राम राम बोलते हुए जन्म लिए थे।
इसलिए इनका बचपन में नाम था राम बोला। राम बोला नाम ही यही प्रसिद्ध था। तो तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं, कहां में कब हम जाइए, जहां जन्म को ठाव, भेदभाव जाने नहीं धरे पाछिलो नाव। अपने जन्म भूमि पर नहीं जाना चाहिए साधु को, क्योंकि कोई फिर कुछ समझता नहीं, वही पिछला नाम रखेगा जो गांव पर नाम था। इस विषय में कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार गए, संत थे, काशी में रहते थे, लेकिन अपने गांव गए, तो कोई पहचान नहीं रहा था, नए नए लड़के से कोई नहीं जान रहे थे, साधु भेष में हो गए थे, बहुत वर्षों के बाद गए थे। तो एक माता जी थी वो दाना भूंजने वाली, उसको भण भुंजा कहते हैं, भाण में बर्तन में जो भूंजते हैं दाना चावल चना आदि, तो वो गांव से बाहर थी, तो वहां वो रुके थे, जाड़ा का दिन था, तो इसलिए वहां बैठ गए, ठंडा में वो जो भाण था उसकी आंच आ रही थी, तो बैठ गए। तो माता जी बूढ़ी इनको देखी थी, गोद में खिलाई थी, तो जान गई। तो एक अयोध्या के रमाली कथा कह रहे थे, वो माता जी जो भड़साए झोंक रही थी, वो देखी तुलसीदास जी को, तो कहती है के हरे बचवा राम बोला। राम बोला तुलसीदास जी भागे वहीं से, फिर काशी आए। गांव पर तो यही दशा होगी। तो चले आए, उसी पर उन्होंने एक दोहा लिखा, तहां में कबहू जाइए, जहां जन्म को ठाव, भेदभाव जाने नहीं धरे पाछलो नाव। पिछला नाम रख के हरे बचवा राम बोला वा। इस तरह से बोली, इनका नाम ही राम बोला था। और भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए तो कुछ बोले ही नहीं, चुप, क्योंकि बोलने पर कंस को पता हो जाता है, कंस के पहरेदारों को पता हो जाता है, इतना चुप्पी साधे कि बस गोकुल जाने के बाद ही रोए, वो भी सवेरे, एकदम नहीं रोए। बहुत डर लग रहा था दुष्देव जी को, कहीं रोने न लगे। यशोदा के गोद में विनिमय करने में भी डर था कि कहीं रोने न लगे। और कंस के कारागृह जेल तक आने तक डर था कि वो बच्ची न रोने लगे, लेकिन वो भी खूब नाटक की थी, वो भी चुपचाप आई थी जोर माया। जब वसुदेव जी जेल में रख दिए, सुला दिए देवकी के बेड पर, और हाथ में हथकड़ी गई जब डाल लिए, दरवाजा देख लिए बंद हो गया ना, तब वो रोना चालू थी। तो रोते हुए जन्म होता है हम लोगों का। कबीरदास जी दोहा में कहते हैं, जब हम जन्मे जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम भी हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो, तुम हंसते हुए जाओ और तुम्हारे विरह में दुनिया रोती रहे। कबीरदास जी का दोहा। तो भगवान रो रहे हैं, उनके रोने की प्रिय ध्वनि सुन करके रानियां दौड़ कर आ गई। हर सिख जहत भाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। अब तो बच्चा हुआ है, इतनी खुशी हो रही है कि सारे पूर्वासी हर्षित हो गए। दशरथ जी वो जब सुने कि हमको पुत्र हुआ है, तो उनको कितना आनंद हुआ, इसको कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। इतना आनंद हुआ राजा दशरथ को, लगता था कि ब्रह्मानंद में डूब गए। ब्रह्मानंद जानते हैं कितना आनंद है, किसी व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु मिले ब्रह्मा के समान, दिव्य वर्ष,
ब्रह्मा के समान आयु मिले और पूरा स्वास्थ्य हो, ज्ञान पूरा पूरा, भोगों को भोगने की कैपेसिटी हो और 100 वर्ष तक निरंतर संसार का सुख भोगे व्यक्ति, तो उस सुख के आगे ब्रह्मानंद करोड़ों गुने ज्यादा है। दिव्य है, छिन्न है, वो आत्मा का सुख है जो भगवान से डायरेक्ट मिलता है। तो पुत्र प्राप्त हुआ है ये सुनकर राजा दशरथ को इतना सुख हुआ, इतना सुख है जितना ब्रह्मानंद ऐसा लगा कि ब्रह्मानंद मग्न हो गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। और सुने तो आनंद में मग्न हो गए, अब शरीर स्तंभित हो गया, उठा नहीं जा रहा था, आनंद में उठा नहीं जा रहा था। जैसे इसके ठीक विपरीत है, जैसे लकवा मार देना, वो तो दुख से नहीं उठा जाता है, लेकिन राजा दशरथ आनंद से नहीं उठ रहे थे। क्या सोच रहे थे जब राजा दशरथ के मन में बार बार क्या विचार आ रहा था, मुंह से निकल रहा था, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने पर मंगल होता है वही साक्षात परमेश्वर श्री भगवान हमारे घर आए थे। ये सोच सोच करके आनंद और उमड़ रहा था। जाकर नाम सुनत शुभ होई, भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है और बोलने से होता है, ये मतलब है। जिनके नाम का उच्चारण करने से भवबंधन कट जाता है, मंगल में भगवान का ध्यान मिलता है, संसार का सब सुख मिलता है, वही साक्षात प्रभु हमारे घर आए हुए। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से कितना पुण्य होता है। भगवान के नाम को जो बोलकर जप करता है, गाता है, तो कितने जीव जंतु सुनते हैं। ये घास, पेड़ पौधे, कीट पतंग और सब दिशाओं में फैले हुए देवता, ये सब सुनते हैं, मनुष्यों के शरीर पर रहते हैं, इंद्रियों पर। और कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, पशु, पक्षी, जो भगवान का नाम सुनते हैं तो उनका मंगल होता है। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर बात कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना दुख प्रकट किया। दुख प्रकट किए वे हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि ये तो ठीक है कि जो व्यक्ति नाम लेते हैं, जिन्हें ज्ञान है, मनुष्य है, उनका पाप कट जाएगा, वे भगवान कृष्ण का प्रेम पाएंगे, लेकिन इन जीवों का क्या होगा जो नाम बोलते नहीं है। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपका नाम सुन करके तर जाएंगे। इसी मंदिर की घटना है 79 की, राधारास बिहारी जी के सामने मंगल आरती के बाद भक्त लोग जप कर रहे थे। जप कर रहे थे तो एक भक्त एकदम चुपचाप बैठे थे माला लेकर के। टेम्पल कमांडर था उस समय भक्त, तो वो आया, कहा तुम बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। फिर भी नहीं बोल रहा था, कहा तुम बोलकर चैंटिंग करो। बोलकर चैंटिंग करो, क्यों नहीं बोल रहे। बार बार पूछना, तुम बोल क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है, तुम लोग बोल रहे हो उसको सुन रहा हूं। अब वो क्या कर, टेम्पल कमांडर चुपचाप हो गया। तो हमसे कहा, देखो ये ऐसे बोल रहा है, इसको बताओ जब करने के लिए। मैंने कहा, सुन रहा है तो ठीक ही कर रहा है। सुनना और बोलना एक समान है, परंतु सुनाना बोलना कुछ ज्यादा है, इसलिए कि बोलने से दूसरे लोगों का हित होता है। तो सब चुपचाप सुना ही करे तो बोलेगा कौन। बोलना सब तरह से श्रेष्ठ है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हरि बोल शब्द ही चल दिया। और कभी कभी
बात करने में, फोन करने में, छोटे छोटे बच्चे भी गुरु को भी माता पिता को भी पाते हैं हरि बोल ये उपदेश करते हरि बोल। तो हरि बोल कहने का मतलब कि हरि बोलो, चुपचाप मत रहो, हरि बोल। एक बार मैं कहा अमेरिका में कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अवस्था में या संबंध में, तो जब बड़े से बात करें तो हरे कृष्ण कह सकते, हरे कृष्ण कह, ये उपदेश न किया करे और जो बड़े हैं संबंध में सीरियल भक्त हैं वो कह सकते हैं हरि बोल। लेकिन हम लोग में तो यही प्रथा ही हो गई है, ए हरि बोल दरवाजा खोलो सब्जी परोसना हो, दाल परोसना हो, हरि बोल कही, हरि बोल। ये बहुत पवित्र बात है, चुपचाप बैठना किसी काम का नहीं, भगवान का नाम जपने यही सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। जाकर नाम सुनत सुन होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। तो बाजा बजाने वालों को बुलवाए थे, बाजा बजाओ बाजा बजाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो बाजा बजने लगे, गुरु वशिष्ठ कहां गए वहां का रहा, आए द्विजन सहित पत्नी पर द्वारा, और गुरु वशिष्ठ के पास खबर गया कि पुत्र हो गया है, आकर के उसका नांदी वो श्राद्ध और जाप कर्म करवाई, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता नहीं पिता और गुरु मिलकर के कुछ मंत्र पढ़वाते हैं, वेदों का कीर्तन करवाते हैं, जाप कर्म कहते हैं, स्वस्ति बात है। और गुरु वशिष्ठ जी आए और अनुपम बालक देखने जाए, रूप रस गुण कहीं नहीं सिराई, वो देखिए अद्भुत बालक है, अद्भुत गुण है, अद्भुत रूप कहा नहीं जा रहा है। तो नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सौकीन, हाटक भेद वसन मणि, नृपति प्रण कह दी। वशिष्ठ ये सब किए, राजा दशरथ ने ये सब कर्म कराए। जन्म के समय बच्चा तो सूतिका गृह में रहता है और मां भी वही रहती है, तो पिताजी का एक धर्म होता है कि अपने बच्चे के हित के लिए भविष्य में वह रोगी न हो, महान हो, निरोग रहे, विद्वान बने, धनवान बने, सदाचारी बने, इसलिए पिताजी वेदों से कुछ कर्म कराते हैं, उसको जात कर्म कहते हैं। उसमें मुख्य है स्वस्तिवाचन और दान। तो स्वस्तिवाचन में सबसे श्रेष्ठ समय यही माना जाएगा कि और सभी सभी युगों में कि महामंत्र का उच्चारण कीर्तन करना यही सब सबसे अधिक स्वस्तिवाचन मंगल करता है। जाकर नाम सुनत सुबह हो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल का भवन है भगवान का नाम। तब राजा दशरथ में हाटक मतलब सोना धेनु बसन कपड़ा मणि आदि दान दिया, खूब दान दिया ब्राह्मणों को और लोगों को। ध्वज पताक तोरण पुरुषा उन्होंने आज्ञा दिया अयोध्या को सजाने के लिए। पुत्र होने के बाद तब सजावट चालू हुआ, हम लोग तो कई दिन पहले सजाने लगते हैं, उनको पता है कि नवमी को भगवान जन्म लेंगे, लेकिन राजा दशरथ को पता नहीं था। जन्म होने के बाद अयोध्या सजाई जाने लगी, अब बधाई कर देगी। सुमन वृष्टि आकाश के होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी भाई, कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूत द्वारा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, सब ब्रह्मानंद में मग्न थे और झुंड के झुंड अयोध्या की स्त्रियां चली, सहज श्रृंगार किए, सदा श्रृंगार किए रहती थी। और कनक कलश मंगल भय थारा, सोने के कलश में पानी भर करते और थाली में मंगल द्रव्य ले करते,
गीत गाते हुए राजा दशरथ के भवन में प्रवेश कर रहे हैं स्त्रियां। करिया रति ने छावर करी बार बार शिशु चरणन पर न्यौछावर करती हैं, राई में उतारती हैं, सरसों के दाने को लेकर के और बच्चे की तरफ दिखा करके घुमा करके और ये कहते हैं कि तुम्हारा जो भी दुख है, तुम्हारी जो भी विपत्ति है वो इधर आ जाए और उसको फेंक देती उसको राई नोल उतारना कहते हैं। तो आकर के बाल वाले छोर कर रही है और मागध सूत बंद की गन गाये रावत गुण का पावन गुण का वही रघुनाए। मागध सूत और बंदी जन ये सब भगवान की कीर्ति गाते हुए और वंश की प्रशंसा करते हुए नाच रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काय और बात सुने विशेष। भगवान के जन्मोत्सव में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि सबने अपना सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व स्व का धन, अपना धन प्रश्न होता है घर में जो था या जो साथ में ले गए थे वह सर्वस्व जो भी था वो दान कर दिए, दान कर दिए। जे ही पावा रखा नहीं था और जिसको दिया गया वो भी सब दान कर दिया, वो भी नहीं रखा, सब लोग दान किए, कोई दान रखा नहीं। ये दान क्या हुआ? जिसको दान दिया गया वो अभी अपना तो दिया ही, लिया हुआ तो था वो भी दान दे दिया, सब दे दिया। सर्वस्व दान दीन सब का जे ही पावा रखा नहीं था, इसका मतलब है कि अतिशय दान दिया गया, अतिशय दान दिया गया, दान दिया। मृगमद चंदन कुमकुम खींचा मच्छी सकल बिथिन बीच बीचा सब, तो सब इस बात पर मैं कहना चाहता हूं सब लोग दान दिए, रखा कोई नहीं। तो दान दिए और जो लिए वो भी नहीं रखे, वो सब दे दिए। अंततः दान कहां गया ये प्रश्न उठता है। वैसे तो इसका अर्थ यह है कि सब लोगों ने दान दिया, भगवान के जन्मोत्सव में किसी ने लिया नहीं, सबने दिया, ये अर्थ है। और बहुत दिया, सब मिलाकर यह कहा जा रहा है कि इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि जिसके पास जो था, जो पैसा लाया था चाहे घर में रखा था, सब लुटा दिया। सभी लोग लुटा रहे थे, अपना सब लुटा रहे थे और जिनको दे रहे थे वो भी नहीं रख रहे थे, वो भी अपना लुटा दिया। यह सब एक शैली है, इसका अर्थ है कि अतिशय दान दिए, सब अतिशय आनंद लेते। दान ले कौन, आनंद इतना ज्यादा उत्पन्न हो रहा है कि उसके आगे सोना रथ हाथी कुछ नहीं है, तो नहीं ले रहे थे। एक प्रकार से रह गई सब वस्तु जहां तहां होना चाहिए वो रह गई, लेकिन लिए नहीं। लोग दे देते होंगे किसी घर में रख दिए रख दिए, लेकिन वो तो आनंद में मग्न है। और गली गली में कस्तूरी चंदन और कुमकुम का कीच हो गया, कीचड़ मच गया। मिट्टी का कीचड़ नहीं था, केसर का कीचड़ सब जगह, कुमकुम कस्तूरी। गृह गृह बाज बधाव, गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहत नगर नारी नर बिंद। सब नारी नर सुखी थे, बधारे बज रहे थे, क्योंकि सौंदर्य के धाम श्री राम प्रकट हुए। अब भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के जन्म की भी बात कर रहे, कहे कहे सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भयो। कहते सुता राजा कहते की पुत्री कहते ही और सुमित्रा ने भी जन्म दिया, कहते ने एक पुत्र और सुमित्रा ने दो पुत्र जन्म दिया। सुंदर सुख जन्मत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाया कही न सकई शारद अहिराजा। उस समय अयोध्या में जो सुख हुआ और जितनी संपत्ति छा गई
इस बात का वर्णन सरस्वती जी और अहिरा सर्पराज भगवान शेषनाग जी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते, 1000 फण से 1000 मुख से भी नहीं कह सकते, सरस्वती जी भी कहकर शेष नहीं कर सकते। उसमें जो सुख हुआ भगवान के जन्मोत्सव में, अवधपुरी सोहै यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनजाति, अवधपुरी ऐसी शोभा दे रहे थे उस समय और सब छाए थे ऊपर, झंडे फहराए जा रहे थे और अनेक प्रकार के जैसे गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे थे, कीच भी नीचे मची थी, तो ऐसा लग रहा था कि भगवान राम से मिलने के लिए रात सज भज करके आई हो, दिन में ही रात्रि जैसा हो रहा था, सज भज करके आई है, प्रकाश निकल रहा था गहनों से तो उसको लाइट के रूप में, मणि के रूप में ले रहे हैं, रात में जैसे दीपक जलता है वैसे। देख भानुजन मन अक्षत जानी तदपि बनी संध्या अनुमानी, इस दृश्य को देख करके सूर्य संकोच करने लगे, देखो हमारे रहते रात आ गई और यह आकाश में है, तो संध्या का अनुमान कर ऐसा लगता था कि सांझ हो गई है, अभी तो दोपहर था। अगर धूप बहुत जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनोहर नारी, अगरबत्ती चलाई जा रही थी, धूप आदि तो अंधियारा फैला रहे थे और उड़ई अबीर, अबीर उड़ रहा था और लाल लाल कर रहा था दिशाओं को, मंदिर मन समूह जन तारा, और घरों में जो मणियां लगी थी तारे जैसे लग रहे थे, निपति कलश से इंद्र उदारा, और राजा के घर में जो सोने का कलश था ऊपर भवन पर वो लगता था कि चंद्रमा है, भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी जन खर मुखर समय सं जन जाने, और भवन में जो वेद ध्वनि हो रही थी, महामंत्र का कीर्तन चल रहा था, वो ऐसा लगता था कि पक्षी सब गुज गुज रहे हैं समय के अनुसार, रात में बोलने वाले पक्षी, कौतुक देख पतंग भुलाना, अयोध्या के इस महाउत्सव को देख करके भगवान सूर्य भूल गए, क्या भूल गए, चलना भूल गए, उनके घोड़े बिल्कुल स्तंभित हो गए, सब उत्सव देखने लगे अयोध्या का। एक महीने का समय बीत गया लेकिन दिन ही रहा, भगवान सूर्य को इस बात से बहुत आनंद हुआ कि हमारे वंश में परब्रह्म भगवान ने जन्म लिया, सूर्य वंश में, इसलिए सूर्य बिल्कुल ठिठक गए और जा नहीं रहे थे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, 30 दिन का एक दिन हुआ और इस बात को कोई नहीं जाना, जो देख सब लोग आनंद में मग्न थे, कौन देखने जाए कि दिन है कि रात है, या टाइम कोई काम धंधा बंद करना है या ऑफिस बंद करना है या जाना है, इसको कौन देखे, इतने आनंद में मग्न थे कि किसी को ध्यान नहीं हुआ, और स्वयं सूर्य भगवान भूल गए थे, विभोर थे, रथ समेत रवि ठाकुर दिशा कवन विधि निशा कवन विधि है, भगवान सूर्य के घोड़े थक गए, थक मतलब वे उत्सव देख रहे थे और उनके जो सारथी हैं वो लंगड़े हैं और वो भी थक गए, थक जाने का मतलब विभोर थे उत्सव में, तो सूर्य भी विभोर थे, सारथी विभोर थे, घोड़े जो चार हैं उनके वो भी विभोर थे, इसलिए सूर्य चले नहीं, एक महीना तक रुके रहे, तो एक महीने का दिन हुआ उत्सुकता में, इसको कहते हैं आनंद मग्नता, विभोर हो जाना, सूर्य इसका समित मास दिवस का दिवस भाग मरण न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो, तो रात कैसे हो, निशा माने रात, रात कैसे हो, जो सूर्य टकसे ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह, उत्सव में मग्न थे, तो ये भी नहीं था कि आकाश से उतर करके आ जाए पृथ्वी पर, वो भी नाचे देवता है आते तो सब जगह आंच बिखरता सब जगह, इसलिए उतर नहीं रहे थे और देखते रहे उत्सव, तो
इस बात को एक बार में कहा था इस कथा को, तो एक लड़का पूछा ये कैसे माने कि एक महीने का दिन हुआ था, 30 दिन का एक ही दिन हुआ था, ये हम कैसे माने, क्या जरूरत है मानने की, मरम जाने कोई, सिर्फ कहेगा कि इसको कोई नहीं जाने, और तुम नहीं जाने तो मानो ये मत माने, मरम न जाने को रथ समीप रवि था के निशा कवन विधि हो, क्या वर्णन है, भगवान सूर्य थक गए अपने पथ पर नहीं गए, ये भी प्रश्न होता है कि तब दूसरे जगह जो प्रकाश देना था तो वहां के लोग क्या अंधेरे में रह गए, कुलाचल के उस पार मेरु पर्वत के उधर जहां उनको जाना पड़ता है भगवान सूर्य को, नहीं तो उधर छाया रहेगी, तो उधर के लोगों के लिए क्या रात थी, तो हमने तो कहा कि हमको ये पता नहीं है, भगवान शिव कह रहे हैं कि एक महीने का दिन हुआ था, हम तो इसको जानते हैं, अब उधर रात थी कि क्या था कि भगवान की कोई न कोई व्यवस्था नहीं होगी, एक महीने का दिन हुआ इस जन्मोत्सव में, यह रहस्य काहू नहीं जाना, भगवान शिव कहते हैं कि इस रहस्य को कोई नहीं जाना, दिनमणि चले करत गुणगाना, एक महीना जब बीता तब दिनमणि भगवान सूर्य गुणगान करते हुए चले, एक महीने के बाद देख महोत्सव सुरमुनि नागा चले भवन वर्णत निज भागा, इस महोत्सव को जिन लोगों ने देखा वे देवता सब गुणगान करते हुए उत्सव की बड़ाई करते हुए गए, और सुनो गिरजा मैं एक चोरी बता रहा हूं अपनी, मैंने जो चोरी किया उस उत्सव में, और एक कहूं निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, देखना फिर सुनते मत कर बैठना, जैसे सती शरीर में बौगा गई थी सावधानी से सुनो, मैं अपनी चोरी सुना रहा हूं किसी से कहना मत, जब उत्सव हो रहा था एक महीने का दिन हुआ तो काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी के साथ मैं ये दोनों आदमी मनुज रूप जान ही नहीं को, हम लोग मनुष्य का शरीर धारण किए, ये दोनों बाल रूप के उपासक हैं, भगवान शिव बाल रूप के उपासक हैं और काग भुसुंडी जी भी, भगवान श्री कृष्ण के भी बाल रूप के उपासक हैं, लड्डू गोपाल के उपासक हैं, जैसा सिद्ध गए थे नंदगांव माता जशोदा दर्शन नहीं करवा रहे थे, लेकिन वो दर्शन करके ही आए, अपने जटा से चरण छू करके ही दम लिए, तो यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि और एक कहूं निज चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो क्या मैं चोरी किया था, हम और कर हुसैन भी मनुष्य रूप जान रही नहीं कोई, मनुष्य के रूप धारण करके उस उत्सव में मग्न थे, और कोई नहीं जाना कि शंकर भगवान है और एक घुसुंडी जी, किसी को अवसर नहीं था देखने का कौन कहां से आया यहां से आया कौन कहां जा रहा है, सुधी नहीं, परमानंद प्रेम और सुख फूले बीथिन फिर मगन मन बोले, हम लोग अयोध्या की गलियों में आनंद में घूम रहे थे, कोई हम लोगों से नहीं पूछा कि आपका कहां गांव है आपका आईडी क्या है, ये कुछ नहीं कुछ नहीं कोई पूछा, हम आनंद मग्न थे, यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम कै जा पर हुई, इस लीला के रहस्य को वही जान सकता है जिसको राम की कृपा होती है, यही अवसर जो जेही भी धियावा दिन भूख जो जेही मन मावा, उस अवसर पर जो भी व्यक्ति आया, यहां तक भगवान शिव भी गए राजा दशरथ के पास, तो महाराज दशरथ ने मनमाना दान दिया, पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो जो कहे वो दिए, लेकिन वो तो कहते नहीं थे, राजा दशरथ स्वयं ही अपने खजाना से दे रहे थे, गज रथ तुरग हेम गो हीरा, गज मैंने हाथी रथ तुरग मैंने घोड़ा, हेम सोना गौ गाय और हीरा डायमंड, जो जिसको चाहिए जितना चाहिए देते थे, दिन भूख जो जेही मन भावा, जिसको जो अच्छा लगा उसको दिया,
जब इस तरह अब लिया कुछ लोगों ने राजा दशरथ का मंगल हो इसलिए दान स्वीकार कर लिया, दान नहीं लेने पर ठीक नहीं, बच्चे का मंगल होगा इसलिए दान स्वीकार करना चाहिए तो लिए। मन संतोषे सब लिखे जहां तो है दे आशीष, सकल तन चिर जीव हूं तुलसीदास के ईश। मन संतोषे सकल के, सबका मन संतुष्ट कर दिया राजा दशरथ, तो सब लोग जहां तक दे ही आशीष, सब लोग बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे। सकल तनय चिर जीवन, राजा दशरथ के सभी तनय सभी पुत्र चिरंजीवी बने जो तुलसीदास के स्वामी है, तुलसीदास के ईश। उस समय भी तुलसीदास के ईश्वर तो है ही, तुलसीदास इस तरह से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। सब लोग यही आशीर्वाद दे रहे थे कि राजा दशरथ के चारों पुत्र और तुलसीदास के ईश्वर चिरंजीवी। इस पर कई बार आपस में बहस होती है, क्या वे लोग कह रहे थे कि तुलसीदास के ईश्वर जीवित रहे? सब जगह सब बातें नहीं कही जाती है, आशय समझा जाता है इसका क्या अर्थ है। सब लोग ये कह रहे थे कि तुलसीदास के ईश्वर जीवित रहे, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। सब लोग ये कह रहे थे कि ये चारों पुत्र जीव चिरंजीवी हो जो तुलसीदास के ईश्वर हैं, आराध्य देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, उनको सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। वो सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तो दास हूं। ये कहने का भाव है, इस तरह सब आशीर्वाद दे रहे थे। कछु का दिवस बीते यही भांति जात अनुजानी दिन और राति। इस तरह से कुछ दिन बीता, कब दिन बीत रहा है कब रात आ रही है, इतना आनंद में थे कि किसी को गिनने का समझने का अवसर नहीं, बस आनंद ही आनंद आनंद। ऐसा करते करते रहते रहते तो नामकरण का समय आया, नाम रखने का समय आया, तो फिर राजा दशरथ बुलाए वशिष्ठ जी को और उनकी पूजा किए, उनको दान दिए और कहे कि इनका नाम रखिए। देखिए भागवत का अनुवाद किस तरह से है, गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा गया है कि ये पक्का चोर है, भागवत से ही श्लोक चुराए, उसका हिंदी में लिखे है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते इनके नाम अनेक अनुता, इनके अनेक नाम है और अनेक रूप है, ऐसा गर्गा साहब जी भगवान कृष्ण के विषय में कहे थे। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा, इनके ऐसे बहुत से नाम है लेकिन मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुखराशि शिखर ते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम रसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, जिनके एक सुधा सिंधु के एक शिखर से तीनों लोक तृप्त होता है, और जो सुख के धाम है उनका नाम है राम। तो दिखा दिखा कर प्रसिद्ध कर इनका नाम है राम, ये सभी जीवों को सुख देंगे विश्राम देंगे। और विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस होए, जो विश्व का विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करेंगे इनका नाम होगा भरत। और जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका नाम होगा शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ पहला था लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम है, शुभ लक्षणों के, राम के परम प्रिय हैं, सकल जगत के आधार हैं, उनको गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण नाम दिया। इस तरह से नामकरण हो रहा है। अब शेष कथा को आगे कहा जाएगा। अब कुछ बाल लीला कही जाएगी, अभी जन्म के साथ साथ भगवान की बाल लीला ये कहना आवश्यक है।
तो इसलिए अब शुरू हो रही है बाल लीला, तो यहीं पर मैं विश्राम देता हूं कथा का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि भगवान की लीला को आप सुनने आ रहे हैं, और आपको देखकर हमें भी बहुत सुख मिल रहा है, उल्लास आ रहा है। और वैसे हमारे लिए रामचरित मानस यह बहुत अभ्यस्त पुस्तक नहीं है भागवत की तरह, मेरा प्रिय विषय भागवत है, पर यहां मुझे राम कथा कहनी हुई तो मैंने आश्रय लिया रामचरित मानस का। यह अद्भुत ग्रंथ है, इसमें भक्ति का बहुत बड़ा प्रवाह है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुरु गाओ। न मैं कवि हूं न मैं चतुर हूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम का गुण गा रहा हूं। ऐसा कहते हुए कहते हैं, यदि ये कहते हैं कि संसार में जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस देश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं जो कलयुग में जन्म लिए हैं और कपट के बर्तन है पूरा, कुपंथ पर चलते हैं वेद मग को छोड़ करके, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, जो राम का भक्त कहा करके और काम क्रोध और सोना के दास होते हैं, पैसे के दास रहते हैं, तिन्हवा प्रथम रेख जग मोरी। इसमें से अगर लिस्ट बनाया जाएगा तो मेरा नाम पहले होगा, इतना मैं अधम हूं गिरा हुआ, इस तरह से कहते हैं। फिर भी मैं एक ग्रंथ बना रहा हूं, उसमें दोष ही दोष होगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। ये कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुख सारा। इसमें भगवान का नाम आएगा बार बार लीला में, जो श्रुति का सार है, वेद का सार है, अति पावन। ठीक भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, नामान्य अनंत से जसो गीतानी जश्रवंती गायन के गुणम दिशा, उसी का अनुवाद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कोई बहुत खराब चीज भी यदि अच्छे के संग हो जाती है तो उसका गुण आ जाता है। तो मैं कवि नहीं हूं, हमारी कविता में अनेक दोष है, न मैं रस भेद जानता हूं न भाव भेद, कवित्व दोष गुण विविध प्रकार, कविता का क्या दोष गुण कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन इसमें भगवान का नाम है, इसलिए संत लोग इसे जरूर सुनेंगे कहेंगे। और इस पर भी यदि किसी के मन में यह होगा कि तुलसी जस कमाने के लिए अपना नाम बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखा है, इतने ऊपर करें और शंका मुहूर्ते अधिकते जड़ मतिरंका, अगर ऐसी शंका करेंगे और दोष बुद्धि करेंगे कि तुलसी अपना जस फैलाने के लिए लिख रहा है, तब वो हमसे भी गए बीते हैं। ऐसा बात है, मुहूर्ते अधिकते जड़ मतिरंका, मैं यही समझूंगा कि हमसे भी जड़ मती है, किसी काम के नहीं। एक बार वे ये भी लिखते हैं कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जो केवल कविता के गुण को ग्रहण करना चाहते हैं, रस भेद करना चाहते हैं, जिनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, जो केवल काव्य इतिहास या कोई ग्रंथ को रस के दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो इसमें नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं पहले ही कह देता हूं कि हमारे ग्रंथ को आप मत पढ़िएगा, आप मत पढ़िएगा, क्यों केवल दोष दिखाई देगा आपको। फिर कहते हैं हम तो अपनी ओर से निहोरा किए, मैं अपनी जैसे की निहोरा तिनली जो ओर में लाओ घोरा, लेकिन मैं तो निहोरा कर रहा हूं, हमारा ग्रंथ मत पढ़िएगा। अगर आपको कविता का गुण देखना हो तो हमारे मत पढ़िएगा। फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, मैं अपनी ओर से तो मना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, लेकिन नहीं मानेंगे। तो उदाहरण देते हैं, बायस पल ही अति अनुराग हो इंदिरा निष्कब कागज, किसी कौवा को बहुत अनुराग के साथ आप पालिए और रोज महाप्रसाद खिलाइए, लेकिन अगर उसको छुट्टी देंगे तो जाकर के जरूर मल खाएगा और मांस खाएगा,
कौए का स्वभाव है। तो जिस व्यक्ति को राम प्रिय नहीं है, जिसको केवल काव्य प्रिय है, कोई कविता मात्र प्रिय है, ऐसे लोग हमारी कविता को नहीं पढ़े तो अच्छा है, इसे मुझे सुख मिलेगा। यह बात चैतन्य चैतन्य ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहे, यही मेरा बहुत बड़ा सुख होगा कि हम जिसको नहीं चाहते हैं वो ना पढ़े। तो भक्ति का यह अनुपम ग्रंथ है, संसार के मूर्धन्य मनुष्यों ने इसको सर्टिफाई किया। यह ग्रंथ जब भाषा में हिंदी में अवधी भाषा में लिखा गया तो बनारस के सारे पंडित विरोध कर दिए, हमारी जीविका कैसे चलेगी, हम संस्कृत में कथा बांटते हैं, संस्कृत से हिंदी का कहते हैं, हमारी जीविका चलती है, ये तुलसी सर्वनाश कर रहे हैं। तो उस समय मधुसूदन सरस्वती जो श्रीपद शंकराचार्य के पीठाधीश्वर थे, उनको दिखाया गया यह ग्रंथ, आपकी क्या सम्मति है। तो उन्होंने लिखा, एक श्लोक लिखा, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस करु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में, काशी में, तुलसीदास तुलसी एक जंगम तरु है। ये प्रसिद्ध तुलसी की तो एक जगह रहती है, लेकिन जंगम तरु है और इसकी जो कविता है वही मंजरी है, रामचरितमानस की वही मंजरी है जिस पर राम रूपी भावरा मरवा रहा है, ऐसा लिख दिया। तुलसीदास की कुछ ग्रंथ भगवान राम युद्ध भावरे की तरह है, और की तो क्या बात कही जाएगी। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, जिनकी गीता बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में, और भी इन्होंने काव्य लिखा है, भक्ति रसायन में एक काव्य लिखा है। वो जब वृंदावन आए वाराणसी से, तो इधर से जाने के बाद बिल्कुल अद्वैत पंथ छोड़ ही दिए, तो इनके सारे शिष्य समझे कि गुरु जी पागल हो गए वृंदावन जा करके। तो अंत में एक दिन मीटिंग किए और लोग पूछे कि ठीक है आप जो कर रहे हैं, आप बताइए परम तत्व तो क्या है, परम तत्व तो क्या है। तो इन्होंने कहा, भरी सभा में, बंसी विभूषित करार नवनील दाभा पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्वमहम् न जाने। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में बंसी है और जो नवीन श्यामल मेघ के समान है, जो पीताम्बर धारण किए हैं, सिर पर मयूर पंख है, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसे कृष्ण के अलावा कोई परम तत्व तो है मैं नहीं जानता। यह श्लोक भाई जी को बहुत प्रिय था, भाई जी हनुमान प्रसाद पुद्दार बहुत प्रिय था, मैं कृष्ण के अलावा और कोई तत्व तो नहीं जानता। सब लोग दंग हुए कि इनको क्या हो गया, निराकार ब्रह्म तत्व की बात नहीं कर रहे हैं और ये लड़के को कह रहे हैं परम तत्व तो है। तो ऐसे महापुरुष ने अपनी सम्मति रामचरितमानस कर दिया था। और एक दिन इसकी परीक्षा लेने के लिए इस ग्रंथ की विद्वानों में बहुत बहस हुई, अंत में भगवान शिव से यह बात प्रमाणित कराने के लिए इस ग्रंथ को शिव जी के मंदिर में रखा गया। बहुत विद्वानों के बीच ढेर पुजारी या पुजारी जो भी थे रखा गया, सारे वेद उपनिषद और श्रीमद् भागवतम ये सारे ग्रंथ रखे गए और इसको नीचे रखा गया यह देखने के लिए कि शिव जी अगर वास्तव में चाहते होंगे ये ग्रंथ तो कुछ न कुछ करेंगे, हेर फेर कुछ लिखेंगे, क्या करेंगे। तो रात भर कीर्तन चलता रहा भगवान शिव के मंदिर में, दरवाजा बंद कर सवेरे या सबसे ऊपर था ग्रंथ और उस पर लिखा था भगवान शिव का हैंड राइटिंग, सत्यम शिवम सुंदर। ये जो घटनाएं हुई सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव का लिखा हुआ इस ग्रंथ में अद्भुत भक्ति है, अद्भुत भक्ति जो पढ़ते हैं वे जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के फालतू बातें किया करते हैं, ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं जो सुने हैं प्रमाणिक रूप से वो जानते हैं कि ग्रंथ क्या है।
इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो ऐसे ग्रंथ से हमने आश्रय लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का थोड़ा थोड़ा अनुवाद किया। कहने पर आप समझ ही जाते हैं क्या कहते हैं ग्रंथ। जैसा उस दिन वर्णन किया जा रहा था, महाराज मनु के सामने जो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के अंग की सुंदरता, फिर सुंदरता का वर्णन आएगा कि माँ कौशल्या के आंगन में श्रीराम किस तरह खेल रहे हैं, तो वहां नक्ष से सिख तक शोभा का वर्णन भगवान शिव करेंगे। कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह यह ग्रंथ भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के स्वरूप तत्व आदि पर पूरा प्रकाश डालता है। इतनी सरल भाषा में है कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। उत्तर भारत में गांव में जो एक अक्षर नहीं पढ़े हैं उनको भी सैकड़ों चौपाइयां याद रहती है इस ग्रंथ सुन करके। इतना सरल है। और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बहस करता है कि ये शास्त्र में लिखी गई है, लिखी गई है। कोई कोई पूछता है रामायण में ये बात कहाँ लिखी गई। रामायण का अर्थ है वो समझते हैं रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और वह प्रामाणिक रामायण जो माना जाता है वह है अपौर से, परंतु उसमें भक्ति की बहुत कमी है, बहुत कमी है। राम को एक आदर्श राजा या भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु भक्तों को प्रस्तुत उस तरह से नहीं किया गया जैसे भरत जी ने प्रेम किया भगवान से, लक्ष्मण जी ने किया, सीता जी ने, हनुमान जी ने, विभीषण ने, इन सब भक्तों ने जितना प्रेम किया उस प्रेम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जैसे भागवत में जिस प्रकार का भागवत और महाभारत में अंतर है, वही अंतर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में है। आपको अगर दिखाऊं तो आप देखकर दंग हो जाएंगे कि महाभारत के जो कथानक हैं वो भागवत से कितना भिन्न है, बहुत भिन्न है। लेकिन फिर भी दोनों भिन्न होते हुए भी प्रमाणिक हैं कल्प भेद के कारण। यह ग्रंथ भक्ति का अद्भुत व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। और उस युग में जबकि सैनिकों के साथ वैष्णवों का झगड़ा रहता था, काशी में रह करके राम की भक्ति का ऐसा प्रचार करने वाला व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ था। और सामंजस्य दिखाते हैं कि भगवान श्री शिव स्वयं ही राम के भक्त है, तो ऐसे सुंदर ढंग से इन्होंने दिखाया है तो अद्भुत बात है। सब लोग प्रसन्न रहे, सब लोग वेद की तरह इसका पाठ करते हैं, इसे सुनते हैं, गाते हैं। तो जिनको समय नहीं है उनकी बात दूसरी है, लेकिन समय होने पर अवश्य इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। यह हित के लिए लिखा गया है। और फिर दोष सृष्टि करना यह तो फिर नरक का भागी बनाएगा। इस प्रकार के दिव्य ग्रंथ में यदि किसी की दोष सृष्टि होती है, वास्तव में उसके किसी दुष्कर्म का फल है। पापी इस तरह की दृष्टि रखता है, सावधान होना चाहिए। और आपने सुना